बैक गाइस, आप लोगों का फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज आप लोग जान ही गए होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मतलब थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे SMG रेड नंबर, मतलब वन टैप तो लगता नहीं SMG, मतलब ड्रैग जो भी कहो, ठीक है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर स्किल की, बिना कोई फालतू बकवास करें हम लोग डायरेक्ट आते हैं काम पे बात। सबसे पहले कैरेक्टर स्किल, तो आप लोग एक्यूरेसी वाले कैरेक्टर ले लेना, ताकि आप लोगों की जो बुलेट को कम से कम रिकॉइल खाए। तो सबसे पहले आप लोगों के पास अगर डीबी हो तो डीबी ले लेना, ठीक है। दाता ले लेना जो एक्यूरेसी बढ़ाते करेक्टर, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट ट्रेनिंग पे, तो वहीं बताते हैं चलते। तो मैं मेन तीन गन्स की बात करूँगा। देखो सबसे पहले EMP लेंगे हम लोग, EMP से रेड नंबर मारेंगे, और MP5 से, और थॉमसन से। ये तीन गन मुझे सही लगती है, तो इन्हीं तीनों से आप लोगों को आज मैं बताऊँगा। मतलब ट्रिक वही होगी, पर आप लोगों को डाउट ना रहे कि इसी गन से पड़ रहा है। तो सबसे पहले लेते हैं EMP, तो है अपने पास MP5 ले लेते हैं, ठीक है। बस तो देखो सबसे पहले आप लोगों को अब तीन स्टेप लगेंगे वन टैप मारने। वन टैप कह रहे हैं यार, वन टैप कह कहते थोड़ा जो बैकग्राउंड का साउंड आ रहा है ना, प्लीज़ उसे इग्नोर करो, ठीक है। देखो लाल वाली बिटिया दो ही, इन लोगों को थोड़ा इग्नोर करो प्लीज़, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोगों को आना एम। तो बात करें एम की, तो हम लोग अभी शॉर्ट रेंज की बात कर रहे हैं, तो एम आपको वाइट रखना शॉर्ट रेंज में हमेशा, और लॉन्ग रेंज में आप लोग रेड कर सकते हो, मिड रेंज में रेड कर सकते हो, पर शॉर्ट रेंज में आप लोगों को वाइट रखने की कोशिश करना है, ठीक है। अब मैं आगे क्लिप्स में बताऊंगा। हाँ तो देखो सबसे पहले आप लोगों को अब रोटेशन ड्रैग ही करना है, क्योंकि सीधा ड्रैग में बहुत कम पड़ता है शॉर्ट रेंज में, ठीक है। मिड रेंज में तो आप लोग सीधा ड्रैग करके मार लोगे, और सीधा ड्रैग बहुत ही कम पड़ता है, वो DPI वालों का बात ही अलग है, और जिसका हाई डिवाइस है उनकी भी बात अलग है। तो मैं लो डिवाइस मतलब मैनुअल जिसका सबका होता है, उसके लिए मैं रोटेशन ड्रैग की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। आगे मैं बताऊँगा आप लोगों को क्यों रोटेशन ड्रैग करना है क्लिप्स बता के, तो ठीक है। तो मिलते हैं आगे, आगे मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ, ट्रेनिंग जाकर फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करके रख ली है, तो आप लोगों को फिर बताता हूँ कैसे आप लोग SMG रेड नंबर मार सकते हो। तो देखो अभी आप लोगों ने एक क्लिप देखी, तो मैं इसे थोड़ा स्लो मोशन करके आप लोगों को दिखाता हूँ रुको जरा। तो हम लोग सबसे पहले वीडियो क्लिप में आ गए, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ से दौड़ के गया, तो मैं सबसे पहले बताऊँगा आप लोगों को एम वाइड रखना है। देखो इस वीडियो क्लिप में मैंने एम वाइड रखा है, देखो सबसे पहले मैंने एम वाइड रखा और मैं सेट हुआ। आप लोग सेट हो चाहे ना हो, आप लोगों को कोई मतलब परवाह नहीं, ठीक है। तो देखो आप लोगों को रोटेशन ड्रैग करना देखना, आप फिर से देखो इस वीडियो में भी मैंने देखना रोटेशन ड्रैग करा, आप लोग मेरी फायर बटन को देखिए रोटेशन ड्रैग। आप लोग कहोगे रोटेशन ड्रैग क्या होता है, अगर जिसे पता है कि रोटेशन ड्रैग क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिसे नहीं पता तो उसे मैं बता रहा हूँ रुको इस तरह। हाँ तो जरा इस वीडियो को फिर से जरा बहुत ध्यान से देखना, उसमें मेरी ज़्यादा जो फायर बटन उसको ध्यान देना। देखो रोटेशन ड्रैग में अपनी फायर बटन को नीचे से टैप करके एम वाइट है देखना, नीचे से टैप करके उसको राउंड ड्रैग करना, मतलब पूरा गोल घुमा के उसको फिर ऊपर साइड ड्रैग करना है, ठीक है। पूरा गोल मैं अगली वीडियो में पूरा अच्छा रोटेशन ड्रैग बताऊंगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता था रोटेशन ड्रैग तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं इसे थोड़ा अगली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बना नहीं सकता मैं अपने मोबाइल पे। ओके सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी ऐसे टिप एंड ट्रिक्स आप लोगों को इस चैनल में मिलेंगे, और रोटेशन ड्रैग की वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। ओके बाय, बस हो गया।